हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियों का सीजन आ चुका है और इसी के साथ आने वाली है गर्मियों से जुड़ी हुई दिक्कतें, जैसे कि जिसमें सबसे मेन दिक्कत है सन टैनिंग या सन बर्न की। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें गर्मियों के सीजन में फेस करनी पड़ती है। सो बेसिकली आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप गर्मियों के सीजन में फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी दिक्कतें हैं ना, वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी सबसे मेजर दिक्कत की जो गर्मियों के सीजन में हमें फेस करनी पड़ती है, वो है सनबर्न या सन टैनिंग। क्योंकि ज्यादातर ऐसा कभी भी नहीं होता कि गर्मियों का सीजन आए और हमें सनबर्न ना हो या सन टैनिंग ना हो, क्योंकि सनबर्न और सन टैनिंग एक ऐसी दिक्कत है ना, जब भी आप बाहर जाएंगे उसकी वजह से आपको होगा ही होगा। लेकिन अगर सनबर्न और सन टैनिंग आपकी स्किन पे बहुत लॉन्ग टाइम तक होती रहेगी ना, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, बहुत ज्यादा ब्लैमिशेस या सन स्पॉट पड़ जाएंगे, और जो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम भी ठीक नहीं होंगे, यानी कि जब गर्मियां चली जाएंगी ना उसके बाद भी वो ठीक नहीं होंगे। सो इनको टाइम टू टाइम ट्रीट करना और आप कह सकते हो कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जिससे आपको सन टैनिंग या सनबर्न कम से कम हो। मीन्स अगर आपको 100% होने वाला था तो आपको 5-6% हो, जो जैसे ही ये टाइम बीतेगा तो वैसे वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टिप्स की कि आपको जब भी आप सन में जाएं या जब भी आप बाहर धूप में जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो मोस्ट कॉमनली आपको पता ही होगा कि हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, और ये चीज आपने बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी यार ज्यादातर लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं कि छोड़ो यार सनस्क्रीन क्या लगानी। और सनस्क्रीन लगाना भी आपको विद इन 2-3 आवर्स है, मतलब कि एक दिन में जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो जाने से 15 मिनट पहले आप अपने फेस पे अच्छे से सनस्क्रीन को अप्लाई करें, उसकी एक लेयर बना दें ताकि वो लेयर आपके स्किन के ऊपर जनरेट हो जाए जो कि आपको धूप से प्रोटेक्शन दे पाए। और इसके बाद आप हर 2-3 घंटे के ड्यूरेशन में बार बार सनस्क्रीन को अप्लाई करें। सन से प्रोटेक्ट होने के लिए सिर्फ आपको सनस्क्रीन ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ जब भी आप बाहर जाएं आप अपनी स्किन को स्कार्फ से कवर करके जाएं। स्कार्फ से जब आप अपनी स्किन को कवर करके जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बाहर से जो भी धूल मिट्टी और पोल्यूशन होता है वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा, आपकी जो सन टैनिंग है या सन की वजह से जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म होने वाले थे ना, वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। सो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में सन टैनिंग, सन बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ज्यादातर लड़कियों को ब्लैक कलर के कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, जो लॉन्जरी आइटम्स हैं लाइक आपकी ब्रा वगैरह, वो भी ब्लैक कलर की पहनना ही प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी गर्मियों के सीजन में हमें ब्लैक कलर की ब्रा को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर की ब्रा जो यूवी रेडिएशन है उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए हमें ब्लैक कलर की ब्रा को तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, बट स्पेशली जब भी समर सीजन हो उस टाइम पे हमें लाइट कलर के ही ब्रास वगैरह पहनने चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज की बात कर लेते हैं, वो है पीरियड्स के दौरान। जब भी हम गर्मियों में पैड्स वगैरह यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो यार बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, ऊपर से पीरियड ब्लड की वजह से हमें ईचिंग और वजाइनल इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो मैं आपको पर्सनली ये अपनी सजेशन पे बताऊंगी कि आप कोशिश करें कि गर्मियों के सीजन में एक तो आप हमेशा मेंस्ट्रुअल कप ही यूज करें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप आपकी वजाइना एरिया में जाके अटैच हो जाता है, वहां से आपके ब्लड को कलेक्ट करता रहता है और आप 8-10 आवर्स के ड्यूरेशन में उसको ब्लड को डिस्पोज कर सकते हैं, उसके बाद उसको दोबारा वॉश करके यूज कर सकते हैं। सो ये आपके बाहर की स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से आपको किसी भी टाइप की इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और अगर आपको स्वेटिंग वगैरह भी होती है तो ये दिक्कत भी आपकी बहुत हद तक एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे वैसे ही आपको बहुत ज्यादा चिपचिपापन महसूस होता है अगर आप पैड्स वगैरह यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपको स्वेटिंग होती है तो वो काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी पीरियड के डेज को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी बना देगा, और जो इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं उसको तो चलो एक अदर चीज है ही कि आपको इन्फेक्शन वगैरह पे बहुत ज्यादा हो सकता है। सो इसीलिए आप उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप ही यूज करें। इवन सिर्फ गर्मियों में ही क्यों, आपको हर सीजन में मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इवन आपके पीरियड्स को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। सो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, उसमें ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, इसको हमें कैसे यूज करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो आप वो वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है।
सो गाइस ये तो थे मेरे 4 to 5 ऐसे टिप्स जो मैं गर्मियों के टाइम पे पर्सनली फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर इसको हम गर्ल्स फॉलो करें तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी ड्यूरिंग समर्स, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। सो अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन गाइस बाय बाय।